तो आपको बलून चाहिएगा तो भाई भैया से ले लेना। मुरादाबाद से यहाँ आए हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं इस वाले ब्लॉग में आपको सारा ब्लॉग जो भी होगा सब मेले के बारे में दिखाऊंगा और मेले में क्या क्या आया है क्या नहीं आया है। गेट से स्टार्ट करेंगे, चले बने रहिए। गेट से हम स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा कुछ गेट लगा है, गेट में ही आते ही हमको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि कुछ आपको अगर कढ़ाई वगैरह खरीदनी है तो यहाँ मिल जाएगा और कुछ टॉयज वगैरह खरीदनी है तो यहाँ मिल जाएगा और कुछ पेड़ा वगैरह खरीदना है तो यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ कपड़े वगैरह खरीदना है तो जस्ट बगल में गेट की स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। क्रॉकरी वगैरह खरीदनी है तो सामने सारी क्रॉकरी की दुकान है, जितने भी क्रॉकरी की दुकान है, डिनर सेट है, वो सामने मिल जाएगा आपको सब। और बाकी अभी कुछ दुकानें लगी नहीं है गाइस, तो आपको प्रॉपर्टी में सॉरी दिखा नहीं पाऊँगा। तो इधर क्रॉकरी की दुकानें हैं सारी, बाकी उस साइड को सारा मंदिर है गाइस। चले हम उस साइड को चलते हैं और ऐसे भी चलते हैं, ये दुकानें भी दिखा के चलते हैं बंदे रह सकते हैं। तो गाइस ये है लेडीज़ सामान, जितनी भी चूड़ी बिंदे वगैरह जो भी ब्यूटी से लेके जो भी सामान है सारा यहाँ मिल जाएगा आपको। ये शॉप है नारी बैंकी, ये कुछ ऐसा बैनर लगा हुआ है इसमें, ये बैनर के जस्ट सामने आपको ये दुकान मिल जाएगी गाइस। तो काफ़ी अच्छी दुकान है, तो यहाँ चूड़ी वगैरह आपको ख़रीदनी है तो यहाँ पर मिल जाएगी गाइस। दुकानें तो काफ़ी और खुली हैं गाइस अभी, तो अभी प्रॉपर खुली नहीं हुई है। और यहाँ पर भी आपको लेडीज़ सामान मिलेगा गाइस, सारा लेडीज़ और कप्स वगैरह भी, घर का सामान सारा इधर प्रॉपर मिल जाएगा आपको गाइस। और चलते हैं आगे को बनारस ब्लॉक। तो गाइस ये दुकान भी अभी लगने वाली है, अभी लगी नहीं हुई है और यहाँ पुलिस का वो है पुलिस स्टेशन का। और हम चलेंगे इधर को, इस वाली गली में चलते हैं गाइस। इधर इस गली में जाते हुए कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे दिल्ली में जाते हुए। सो कम्बल वगैरह लेना है तो ये इस साइड को मिल जाएंगे आपको गाइस, पहली गली है जस्ट मैं आया, इस साइड को कम्बल वगैरह मिलना है। तो शूज़ लेने हैं तो इस साइड मिल जाएंगे, लोअर जैकेट वगैरह मिलनी है तो इस साइड में मिलेंगे। देख रहे शूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, प्यारे से शूज, हर ब्रांड के आपको शूज मिल जाएंगे गाइस इधर। और इधर कम्बल वगैरह मिल जाएंगे गाइस आपको प्यारे से, ब्लैंकेट सारे कुछ भी है, बेडशीट वगैरह। और इधर पेठा की दुकान भी काफ़ी प्यारी सी है। अभी आएंगे। सो ये है ब्लैंकेट की दुकान है काफ़ी। अब अगर पर्दे वगैरह लेने का इस रूम के लिए पर्दे वगैरह लेना है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रांडेड के पर्दे आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर, अलग अलग कलर के आपको यहाँ पर पर्दे मिल जाएंगे गाइस, काफ़ी अच्छे पर्दे हैं। और इधर भी अच्छे अच्छे पर्दे हैं, काफ़ी प्यारे पर्दे आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी दुकान शॉप लगी हुई है। और गाइस देखिए हर जगह आपको पर्दे मिलेंगे, इस साइड को भी पर्दे मिलेंगे, काफ़ी अच्छे पर्दे लगे हुए हैं। और इधर को सारे आपको ही कपड़ों की दुकानें दिखेंगी ज़्यादातर। और अभी यहाँ आए क्रॉकरी, अभी इधर कढ़ाई वगैरह, अभी इधर डेक वगैरह आपको लेने हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे गाइस, कटोरी वगैरह सब कुछ, डिनर सेट वगैरह तो यहाँ से मिल सकता है आपको। और इधर गाइस कुशन वगैरह, कुशन कवर वगैरह आपको जो चाहिएगा यहाँ पर मिल जाएगा गाइस। और पिल्लो वगैरह भी मिल जाएगा, पिल्लो छोटे बड़े सब मिल जाएंगे गाइस यहाँ पर, ये लगे हुए हैं पिल्लो। तो दुकान काफ़ी अच्छी है। तो गाइस सीधे आप आके इस गली में घूमेंगे तो इधर झूला दिख जाएगा आपको, अगर झूला वगैरह आपको घूमना है तो काफ़ी अच्छा है। तो कपड़े वगैरह इसी साइड मिल जाएंगे आपको। और ब्रेक डांस दिखा रहे हैं आपको, जस्ट सामने ही है तो काफ़ी, इधर लाइन से ही सब कुछ है। इस वाली गली में आपको कोलंबस भी, झूला भी एंड ब्रेक डांस भी, और बच्चों के लिए ट्रेन भी इस साइड को आपको मिल जाएगी। और इस साइड को शॉप भी हैं शूज़ वगैरह के काफ़ी अच्छे, इधर शूज़ मिल जाएंगे, लेडीज़ जेंट्स दोनों मिल जाएंगे गाइस, लेडीज़ कपड़े, लेडीज़ जेंट्स सबको मिल जाएंगे। और सेल भी लगी हुई गाइस, 150 रुपये वगैरह 300 रुपये सेल लगी हुई काफ़ी अच्छी। और जलून नहीं लूँगा, अब कहाँ से, यहीं से हो, यहाँ ही रहते हो, कहाँ रहते हो, 7 नंबर, अच्छा बलून भेजे हो, वेरी गुड। अभी तो नहीं लूँगा मैं, किसके लिए लूँ, आप चलिए चलिए आपके साथ साथ चलते हैं। आप बलून भेजते हुए, तो क्या नाम भैया आपका, आरिस नाम का, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बलून चाहिए और भी कुछ भेजेंगे आपको, तो आपको बलून चाहिएगा तो आरिस आपको मिल जाएंगे, इसी मिलेगा। चलिए आई, बोलो, चलिए।
आप नाम बताइए अपना। पर आ गया तो कहाँ से आप? मुरादाबाद से यहाँ आए। बहुत बढ़िया। हर साल आते हैं? बहुत बढ़िया। और ये इनके डैडी हैं। हाय। सो ये इनके डैडी हैं तो मुरादाबाद से यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। हम तो यहीं से हैं, इधर पास में गाँव है 10 किलोमीटर, यहीं से तो बढ़िया है इधर। काफ़ी अच्छा, कैसा लग रहा था जिला सर? अच्छा लगा। चलो फिर ऑडियंस को हाय बोल दीजिए और सब्सक्राइब करने को को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दो। और मैं जहाँ रवि मोहन ब्लॉग से करके शेयर और बाय। चलिए गाइस, मेरे चैनल के नाम मौत के कुएं के पास अभी जस्ट लगा हुआ नहीं है। और आपको कुछ खाना है इधर सामने देखिए, उत्तराखंड क्रॉस पे ये सामने आपको मिल जाएगा। अगर आपको गोलगप्पे वगैरह खाना है तो ये दुकान काफ़ी बड़ी है। आज ये जलेबी पकौड़े बिलपकौड़े समोसे सब कुछ आपको मिल जाएंगे इस साइड को। और ये देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको इस साइड को, काफ़ी प्यारा है। कॉफ़ी वगैरह पीनी है, आइसक्रीम वगैरह खानी है तो। और जलेबी देखिए कितनी प्यारी सी है, दुकानें भी काफ़ी अच्छी, बैठने का यहाँ पर साधन दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। और इस साइड को आपको जींस की दुकानें मिल जाएंगी, छोटे बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे आपको गाइस। तो इधर सारा, इधर जो भी है इधर खाने पीने का दुकानें लगी हुई हैं। इस साइड को जितनी है खाने पीने की दुकानें सारी गाइस, इस साइड को काफ़ी अच्छी दुकानें लगी हुई है पहली सी। आप लोग को आना है तो ज़रूर आइए। पीठा की दुकान भी लगी हुई है काफ़ी अच्छी। और चाय पानी वगैरह पीने हैं तो इस साइड को आपको मिल जाएगा। और नारियल वगैरह लेना है, नारियल जूस पीना है तो ये कोकोनट जूस इधर मिल जाएगा आपको। बाकी शरीफा वगैरह फल फ्रूट्स वगैरह मिल जाएगी। ये मौत की वो के जस्ट पीछे साइड जितनी भी दुकान है ये मैं उस साइड की दुकानें आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इधर लेडीज़ कपड़े मिलेंगे इधर सामने, इधर सारे लेडीज़ कपड़े मिलेंगे। तो ये है व्यू कुछ ऐसा। चलिए गाइस बने रहिए। सो गाइस मैं एंड में आ चुका हूँ और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा लग रहा है। और मौसम भी अब थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है भगवान की कृपा से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए झूला अभी कंप्लीट लगा हुआ नहीं है। और ये है मौत का कुआ, वो सामने क्रॉस वाला झूला हुआ है। और बाकी शॉप वगैरह जो लगी हैं छोटी मोटी इधर लगी हुई हैं सामने। देखिए आपको इस किनारे फिल्टर के किनारे किनारे आपको शॉप मिल जाएंगी, खाने पीने की भी मिल जाएंगी गाइस। और आपको आगे को चलते हैं, आपको क्रॉकरी वगैरह कढ़ाई वगैरह लेनी है उस साइड को मिल जाएगी सामने, देख रहे हैं गाइस आपको सब कुछ मिल जाएगा इधर। बाकी अभी तैयारी चल रही है गाइस मेले लगने की, क्योंकि अभी एंड 29-30 तारीख तक ये मेला रहेगा। तो आप जितने जल्दी आ सकें आ सकते हैं। आपको जीन्स वगैरह भी मिल जाएगी। सामने झूला देख रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं लगा हुआ है, गेट सामने है मेरे सामने। और इधर भैया आपको मिल जाएंगे पेठा बेचते हुए, आप शक्ल देख लीजिए। और यह है कुछ ऐसा कंप्लीट मेला, आपको कंप्लीट दिखा दिया लगभग मैंने। ये कुछ ऐसा मेला काफ़ी प्यारा सा। सो गाइस आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, काफ़ी मैंने लगभग घुमा ही दिया आपको ये मेला। सो इस ब्लॉग करते हैं फ्रेंड, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बाय बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं मेले में लाऊंगा, तो चार दिन आपको ब्लॉग मेले में मिलेगा। चलिए जो इस भाई को सपोर्ट कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता